नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रोज़ की तरह आज हम लोग देखेंगे एमसीक्यू टेस्ट, जो बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। जिसमें आज का पहला प्रश्न है, पैरा ओलंपिक खेलों का मोटो क्या है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्पिरिट इन मोशन। हरियाणा के किस शहर में साई का हाइपोक्सिक सेंटर स्थापित है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सोनीपत। अगला ऑप्शन है, WHO का गठन किस तिथि को हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोग चूज कर लीजिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 7 अप्रैल 1948। आत्मविश्वासी होना स्वास्थ्य के किस आयाम में आता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मानसिक आयाम। एक मार्ग का संबंध किससे है। करेक्ट आंसर आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर कौन सा करेक्ट है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खेती के उत्पाद। विद्यालय स्वास्थ्य के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होता है। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रधानाचार्य। भारत सरकार ने किस योजना के तहत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत 2019 में विद्यालय की स्वास्थ्य संवर्धन और योग निवारण क्षमता को मजबूत करने के लिए की। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आयुष्मान भारत। किसने कहा, शारीरिक शिक्षा शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का वह भाव है जिसका संबंध बृहत पेशी प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित अन्य क्रियाओं के साथ है। तो यहां पर आप लोग अपना ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जेबिनेस। अगला ऑप्शन है, शरीर के विभिन्न अंगों की माप किस विज्ञान के अंतर्गत की जाती है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मानव मिति विज्ञान। दर्शन शास्त्र के संबंध में निम्न में से क्या विषम है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चिकित्सा शास्त्र। निम्न को काल क्रमिक क्रम में लिखिए। तो आप लोग ऑप्शन देखिएगा कौन सा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट हो जाएगा सुकरात,
और सेकंड प्लूटो हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा अरस्तु और फोर्थ हो जाएगा विलियम जेम्स। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ताराचंद कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1948। सलवा आसन में किसकी आकृति बनती है? तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोग चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टिड्डी। अगला ऑप्शन है, स्वाध्याय का संबंध निम्न में से किससे है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग अपना करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नियम। त्राटक क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शुद्धि क्रिया। अगला ऑप्शन है, 21/6/2020 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग अपना करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, छठा। योग के राष्ट्रीय संस्थान का क्या नाम है? यहाँ पर चार संस्थान दिए हुए हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोरारजी देसाई संस्थान, जो कि दिल्ली में है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे। मदिरा में कौन सा रासायनिक यौगिक पाया जाता है? यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इथेनॉल। अगला ऑप्शन है, सिगरेट में कौन सा रसायन तंत्रिका तंत्र व हृदय की गतिविधियों को बढ़ा देता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निकोटीन। बाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कनाडा में। निम्न में क्या उत्तेजक के संबंध में विषम है? क्या उत्तेजक के संबंध में विषम है? आप लोग करेक्ट आंसर यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बीटा ब्लॉकर्स। अगला प्रश्न है, डायरेटिक्स के संबंध में निम्न में मेल नहीं खाता है? यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फुटबॉल। निम्न में से किसके सेवन से महिलाओं में पुरुष तत्व के गुण आ जाते हैं? आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एनाबोलिक स्टेराइड। किस ओलंपिक खेल में डोपिंग को पहली बार शपथ शामिल किया गया? तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिडनी 2000।
अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या विषम है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चार्ली हॉर्स। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन कब हुआ? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1920। चोट लगने के पश्चात राइस नामक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, इसमें ई से क्या तात्पर्य है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एलिविएशन। कोल्ड स्प्रे में कौन सी गैस रहती है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड। अगला प्रश्न है, फिजियोथेरेपी नामक शब्द में फिजियो से क्या तात्पर्य है? यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिजिकल। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साइनोकोबालमिन। NIN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा खनिज लवण सबसे अधिक प्रतिशत में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम। गुड कोलेस्ट्रॉल किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, HDL। निम्न में क्या विषम है? यहां पर करेक्ट आंसर आप लोग चूज कर लीजिएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निकोटीन। निम्न में से क्या विषम है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। तो यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विटामिन डी। बी विटामिन बी, विटामिन एच, विटामिन सी, यानी तीनों वाटर सल्यूबल विटामिन है। टमाटर में कौन सा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग अपना करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लाइकोपीन। राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लंदन में। लाल साहब बुखारी किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग अपना करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1932। द गोल्डन हैट्रिक माई हॉकी डैश किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बलवीर सिंह। साक्षी मलिक ने किस भार में वर्ग में रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक अर्जित किया था?
डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 58 किलोग्राम। प्रथम एशियन खेलों के उद्घाटन की घोषणा किसने की थी? चार ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, आप लोग अपना करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस महिला खिलाड़ी ने मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से जाना जाता है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैरी कॉम। कुनोरू हम्पी नामक भारतीय महिला खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? तो यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शतरंज। निम्न में से किसका संबंध कुश्ती से नहीं है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रिया पुनिया। भारतीय महिला प्रशिक्षक सुनील डवास को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? तो आप लोग करेक्ट आंसर यहां पर देख लीजिएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कबड्डी। पूर्णिमा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वॉलीबॉल से। रुबेला नामक रोग शरीर में किस विषाणु से फैलता है? टोगा वायरस, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेबडो वायरस का संबंध किस रोग से है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेबीज। निम्न में से क्या विषम है? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फाइलेरिया। फाइलेरिया यह पैरासाइटिक रोग है, बाकी संबंध विषाणु जनित रोग हैं। तो डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। एलिसा परीक्षण निम्न में से किस से संबंधित है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एड्स। अगला ऑप्शन है, बिटोट स्पोर्ट्स नामक रोग किसकी कमी से होता है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विटामिन ए। अगला ऑप्शन है, निम्न में से क्या विषम है? यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सो बाइक। अगला ऑप्शन है, पश्चिम मोत्तसन निम्न में से किस विकृति के सुधार में अधिक लाभकारी रहता है? तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अग्र कुबजता। विकृत का नाम जो यस या सी के रूप में रीढ़ को आकार देती है, यहां पर करेक्ट आंसर आप लोग चूज कर लीजिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्श कोजता। स्पाइनोग्राफ नामक उपकरण का प्रयोग निम्न में किसे मापने के लिए किया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पार्श्व कुबजता।
किसे हिस्टोलॉजी का पितामह कहा जाता है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मार्शल मालपिगही। एक वयस्क में कितनी कशेरुकाएं होती हैं? चार ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, 26। अगला ऑप्शन है, लंबडोइड सूचर किन अस्थियों के मध्य पाया जाता है? यहां पर दो ऑप्शन हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीपिटल पैराइटल। किसे कोशिका की राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं? तो किसे कहते हैं, आप लोग यहां पर करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस। अगला ऑप्शन है, चमड़ी किस प्रकार की ऊतक है? चमड़ी किस प्रकार की ऊतक है? तो यहां पर करेक्ट आंसर आप लोग देख लीजिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपकला ऊतक। मांसपेशी की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सार्कोमियर। डेल्टोराइड मांसपेशी की एगा एंटागोनिस्ट मांसपेशी कौन सी होती है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेटिसमस डॉर्सी। अगला ऑप्शन है, निम्न में से क्या विषम है? तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बैलेस्टिक। निम्न में से कौन अचल संधि नहीं है? यहां पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कार्पस। लाल रक्त कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एरिथ्रोपोइसिस। एक श्वसन में अंतः श्वसन के दौरान अधिक से अधिक अंदर ली गई वायु की मात्रा तथा सामान्य रूप से बाहर छोड़ी गई वायु की मात्रा कहलाती है। यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग अपना करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। तो यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेजिड्यूअल वॉल्यूम। अगला ऑप्शन है, आमाशय में दूध को कौन सा एंजाइम पचाने में मदद करता है? तो आसान प्रश्न है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेनिन। हृदय की मांसपेशियों में परत को क्या कहते हैं? तो यहां पर दो ऑप्शन हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मायोकार्डियम। मस्तिष्क का कौन सा अंग श्वसन व रक्त परिसंचरण को नियंत्रित करता है? चार ऑप्शन यहां पर हैं, आप लोग अपना करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेडुला ओब्लोगेटा। अगला ऑप्शन है, निम्न में से पूर्व बाल्यावस्था की आयु क्या होती है? यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 से 6 वर्ष। सोमाटोटाइप स्केल में 1-7
एक किसे दर्शाता है? करेक्ट आंसर आप लोग देख लीजिएगा कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मीसोमॉर्फिक। किसने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मना शारीरिक पद्धतियों का गतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करती है? आप लोग देख लीजिएगा, चार ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर आप लोग चूज कर लीजिएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आलपोर्ट। अगला ऑप्शन है, सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्नडाइक। व्यक्तिगत बुद्ध परीक्षण का निर्माण 1904 में किसने किया था? तो चार ऑप्शन हैं, आप लोग अपना ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला ऑप्शन है दोस्तों, निम्न में से क्रिस्मर के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का एक प्रकार है? चार ऑप्शन हैं, आप लोग अपना ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, चार ऑप्शन में कौन सा करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्रसकाय। किसे खेल मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है? चार ऑप्शन हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोलमैन आर ग्रोफिथ। सर्जेंट जंप को किस जंप के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वर्टिकल जंप। अगला ऑप्शन है, अफार्ड ने किस वर्ष स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक स्वच्छता का परीक्षण बनाया? तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1980। निम्न में से क्या विषम है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टीची प्रशिक्षण। 202 आयु किसका सूत्र है? किसका सूत्र है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अधिकतम हृदय पर। अगला ऑप्शन है, डिकाथलॉन की अंतिम स्पर्धा कौन सी होती है? चार ऑप्शन है, आप लोग अपना ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1500 मीटर दौड़। फ्लो जो के नाम से किस महिला खिलाड़ी को जाना जाता है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्लोरेंस गिफ्ट जॉइनर। प्रशिक्षण चक्रों को घटते हुए क्रम में रखिए। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा ओलंपिक चक्र योजना, सेकंड हो जाएगा मैक्रो चक्र योजना, और थर्ड हो जाएगा मीसो चक्र योजना, और फोर्थ हो जाएगा माइक्रो चक्र योजना। तो
तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा। निम्न में से क्या विषम है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विजय मर्चेंट ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित है। बाकी तीनों ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। सुमेलित कीजिए। तो आप लोग ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। तो 3 पॉइंट गोल एरिया जो कि बास्केटबॉल से संबंधित है यहाँ पर। मैच कीजिएगा दोस्तों, बास्केटबॉल से हो जाएगा। फ्री जोन खोखो से हो जाएगा यहाँ पर, और बक रेखा कबड्डी से हो जाएगा, और बेस रेखा टेनिस से हो जाएगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। सुमेलित कीजिए। अगला ऑप्शन है, तो यहाँ पर तो फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड नॉर्मन पिचार्ड, और थर्ड सेकंड हो जाएगा लिएंडर पेस, फोर्थ और थर्ड हो जाएगा, फर्स्ट में मैच हो जाएगा राजवर्धन सिंह राठौर, और फोर्थ हो जाएगा विजेंद्र सिंह। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो चार ऑप्शन हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2002 में। नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर टीमों की संख्या 15 है तो पहले राउंड में कितने मैच खेले जाएंगे? यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 7 मैच। ओपन वाटर स्विमिंग का संबंध है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फीना। अगला ऑप्शन है, पुनरावर्ती विधि का संबंध किससे है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सहनशीलता से। अगला ऑप्शन है, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? चार ऑप्शन है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1924 पेरिस। एफ ल्यूरेज नामक शब्दावली संबंधित है? चार ऑप्शन हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मालिश से। उस अस्थिभंग को क्या कहते हैं जिसमें एक अस्थि टूटकर दूसरी अस्थि पर रगड़ करने लगती है?
तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संघात अस्थिभंग। निम्न में से किस चोट को एपिकोंडिलाइटिस भी कहा जाता है? यहाँ पर चार ऑप्शन है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टेनिस एल्बो। मांसपेशी में अत्यधिक खिंचाव के कारण मांसपेशी तंतु अपनी सीमा से अधिक खिंच जाए तो उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर चार ऑप्शन है, आप लोग अपना ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेन। अगला ऑप्शन है, उस उत्तोलक की श्रेणी बताइए जिसमें बल अक्ष और भार के मध्य रहता है। यहाँ पर चार ऑप्शन है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तृतीय श्रेणी। वायु का वेग किस यंत्र से मापा जाता है? यहाँ पर चार ऑप्शन है, आप लोग अपना ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विंड गेज। अगला ऑप्शन है, किस ओलंपिक को गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है? तो यहाँ पर चारों ऑप्शन रॉन्ग हैं। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक, जिसे गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, बर्ड नेस्ट नामक ओलंपिया स्टेडियम स्थित है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न कैसे लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।